विवेक कुमार, आप सभी का आपके अपने ही चैनल इंग्लिश विद कॉन्सेप्ट बाय विवेक धुरिया चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा पांचवा दिन है ईडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर। हम लोगों ने 500 ईडियम्स को एंड फ्रेजेस को टारगेट किया है एग्ज़ाम आते आते वक्त। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज के अपने सेशन में। आज हमारा 81 ईडियम्स है इन द कोर्स ऑफ मीन्स ड्यूरिंग दरमियान। 82 है आपका इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन राइटिंग मीन्स लिखा हुआ। आपका 83 ईडियम्स है आर डैम स्क्विप मीन्स आर डिसअपॉइंटेड रिजल्ट, इसका मतलब होता है निराशाजनक परिणाम। 84वां आपका है एट वंस बैक एंड कल जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, अपोस्ट्रोफ ही होगा, वंस ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पर अपोस्ट्रोफ ही आप लगा दीजिएगा। एट वंस बैक एंड कल टू बी, इसका मतलब होता है टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, मतलब हंसी का पात्र। आपका 25वां है एबव वर्ड मिस ऑनेस्ट मिस ईमानदार। आपका 86वां बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही रोचक आपका ईडियम्स है आक्लोसिव हरीज व्रत, यहाँ भी आपका फर्स्ट टॉपिक का गलती है तो आप सही इसको ऐसे करिएगा, हरीश ब्रेथ स्केप्स, मतलब बाल बाल बचना। आप लोगों ने कभी ना कभी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, यदि आप साइकिल चला रहे हैं तो आप कभी कभी ऐसा था आपके जस्ट साइड से कार निकलती है तो आप कहते हैं ओह बाल बाल बच गए, नहीं तो आप तो मेरा, तो इसको बोलते हैं नैरो स्केप, मतलब बाल बाल बचना। आपका 27वां है अगैन एंड अगैन, इसका क्या मतलब होता है फ्रीक्वेंटली मिस बार बार। 28वां आपका है आल एंड सन्ड्री, मतलब आल विदाउट डिस्टिंक्शन। 89 है अ हाउस होल्ड वर्ड्स, यहाँ भी अपोस्ट्रोफी आप लगा दीजिएगा डी के बाद, अ हाउस होल्ड वर्ड्स मिस फैमिलियर मिस परिचित होना। अब 90वां भी आप सभी लोग जानते होंगे, आज से आप अपने दैनिक जीवन में इसी का प्रयोग करें, अ नाइन डेज वंडर, इसका क्या मतलब था एनीथिंग दैट्स क्रिएट इंटरेस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी काम को लेकर कुछ दिनों के लिए ही उत्साहित रहता है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको पता चला बैंक पीओ का फॉर्म निकाला गया है, तो आप फॉर्म भरने के बाद 10-20 दिन आप सही से तैयारी करते हैं, बाकी दिन फिर आप छोड़ देते हैं, तो इसी को बोलते हैं चार दिन की चांदनी फिर अंधेरा रात। और आपका 91 है अ स्नैक इन द ग्रास, मतलब आपका इसका क्या मतलब हुआ हिडन एनिमी। 92 है आपका बे एट द मून, इसका मतलब क्या हुआ बी इन द थॉट ऑफ अचीविंग सम्स इम्पॉसिबल ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने सुना ही होगा कि मंगल पर रहना एक प्रकार का बे एट द मून, मतलब कि जो अचीव नहीं किया जा सकता। अभी तो हाल के ही जो हमारे निकल रहे हैं प्रयोग, 93 है का बेगर्स डिस्क्रिप्शन, इसका क्या हुआ बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, मतलब अवर्णनीय, मतलब आप इसका वर्णन नहीं कर सकते, आप इसको पता नहीं लगा सकते भिखारी क्या है कहां से आया है, इसी को बोलते हैं बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, मतलब वर्णन के पार अवर्णन। आपका 94 भी मज़ेदार है बेल द कैट, आपने बचपन में शायद चूहों और बिल्ली वाला कहानी सुनी होगी जिसमें बिल्ली सभी चूहों को खा जा रही थी, जिसमें से एक चूहा बोला कि जो भी बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा वो अच्छा चूहा होगा और जब बिल्ली आएगी तो हम लोग पता चल जाएगा। तो ये एक तो बिल्ली चूहों को खाती है और उसी में बिल्ली को आपने बोल दिया है कि उसके
उसको घंटी से बांध दो उसके गले में, तो आपको हो गया टू लीड इन डेंजर। 95वां है क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स फर्स्ट ईयर दिखावटी आंसू, घड़ियाली आंसू भी बोलते हैं इसको। 96 है आपका है कोल्ड रिसेप्शन नो हार्टी वेलकम। 97 है आपका कोल्ड फीट। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे छात्र हैं जिसने कभी मंच साझा नहीं किया था, वो मंच पर कभी नहीं बोला, यदि उन्हें अचानक से बोल दिया जाए मंच पर खड़े हो जाए तो उनका जो पैर है कांपता रहता है, तो उसे बोलते हैं द लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका 98वां है डेविल मे केयर, इसका क्या मतलब है, बी हेडलेस टू कॉन्सिक्यूस, अपने परिणाम के प्रति लापरवाह होना। आपका 99 है क्लोज द बुक। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप थक जाते हैं तो आप बुक को बंद करके सो जाते हैं, तब आप काम को रोक देते हैं, तो इसका आप आज ये अर्थ निकालिए स्टॉप वर्किंग के लिए क्लोज द बुक। आपका 100वां है कट द गार्जियन नॉट, इसका क्या मतलब हुआ, टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक ऐसी समस्या जिसे आपने सॉल्व कर दिया जो अति समस्या बोल सकते हैं। तो आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क गेन कर सकें। तो मैं सेशन को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू, आई लव यू।